तो अपन लोग एंजाइम्स के बारे में देख रहे थे और एंजाइम्स में अपन लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। अपन लोग एंजाइम्स में वो एनसीईआरटी में जो एक फिगर है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी वाला, कि हम लोग देखते हैं कि उसमें एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, कैसे सब्सट्रेट कैसे प्रोडक्ट में तरीके से कन्वर्ट होता है, उसके बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था। अब अपन लोग आगे की तरफ जब प्रोसीड करेंगे तो अपन लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ एंजाइम। जब अपन लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो पढ़ेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शंस, मतलब किसी भी एंजाइम्स का एक्शंस क्या क्या होता है, वो कैसे कैसे मतलब वर्क करता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग आते हैं। अपन लोगों ने यहाँ तक देख चुका था, यहाँ पे देखे थे, जैसे कि अपन था, मेरे पास कोई भी सब्सट्रेट था, सब्सट्रेट का ऑल बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो कुछ कहते हैं ये क्या होता है, जब नहीं कहते प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बनने के लिए जिस देखो सब्सट्रेट में सब्सट्रेट जब जाके एंजाइम्स में बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद सब्सट्रेट कहाँ पे बाइंड होगा, एक्टिव साइट पे बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद जब सब्सट्रेट का ऑल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएगा, जब ये टूटेगा ऑल बॉन्ड ब्रेक होगा तो कोई कहते हैं ये एक ऐसे फेज में आएगा जहां पे ये प्रोडक्ट बनने के लिए कन्वर्ट होगा, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, या उस फेज को अपन लोग ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं या ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। उसके बाद जब ये ऑल बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो यहां देखो इंटरमीडिएट बनता है और डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, इंटरमीडिएट बनता है तब प्रोडक्ट बनता है। जो इंटरमीडिएट है ना ये हाईली क्यों कहता अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है हाईली अनस्टेबल होता है। उसके बाद अपन ने ये ग्राफ देखा था कि मेरे पास देखो ये मेरे पास सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, यहाँ पे सब्सट्रेट है और सब्सट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सब्सट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सब्सट्रेट जब सब्सट्रेट को ऑल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट क्यों कहते इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं बनाएगा, और इंटरमीडिएट बनाएगा तो एक स्टेज ऐसा होगा जहां एक स्टेज को ऐसा जब सब्सट्रेट एक ऐसे स्टेज को या एक ऐसे फेज को अचीव करेगा जब वो प्रोडक्ट बनने के लिए क्या हो जाएगा, अब वो ये कहते हैं वो प्रोडक्ट बनने के लिए अब तैयार होना स्टार्ट हो रहा है, तो उस वाले को हम लोग उस वाले फेज को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन फेज या ट्रांजिशन एज। अब देखो यहां पे सब्सट्रेट है और यहां से अब प्रोडक्ट बनने के लिए कन्वर्ट होने वाला है, तो जो मिनिमम एंजाइम चाहिए, जो मिनिमम कोई कहते हैं एनर्जी, सॉरी एंजाइम बोल रहे हैं, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इसको कन्वर्ट होने के लिए, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे देखो अब्सेंस ऑफ एंजाइम्स है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक सब्सट्रेट अब किसमें कन्वर्ट हो रहा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, लेकिन यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है, क्यों कम है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यों कहते हैं मेरे पास एंजाइम। पहले पर आगे नहीं पड़ा, यहाँ तक अपन लोगों ने पिछले क्लास में अच्छे तरीके से कहीं कहते इसको डिस्कस कर लिया था, इसलिए अपन लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब देखो मेरे पास क्या होता है नेचर ऑफ एंजाइम्स एक्शंस। अब क्या होता है मेरे पास देख एंजाइम्स का जो अलग अलग नेचर्स है उसका एक्शंस कैसा होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, द कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। जो मतलब अब देखो एंजाइम्स कैसे वर्क करता है, तो हम एंजाइम्स के बारे में बता चुके थे तुमको पिछले प्रीवियस क्लास में ही बता चुके थे कि एंजाइम्स कैसे वर्क करता है मेरे पास, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म चलता है, यहाँ पे चलता है यहाँ पे की लॉक मैकेनिज्म चलता है, कौन सा मैकेनिज्म चलता है की लॉक मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, यहाँ पे देखो मेरे पास कैसे होता है इसके बारे में देखो, अपन लोगों ने बताया कि एंजाइम कैसे काम करता है, एंजाइम का एक्शन कैसे करता है, तो हम बताए थे की लॉक एक्शन करता है, तो जैसे कि एक की और लॉक वाला ऑप्शन दिए थे। सबसे पहले क्या करता है, जो सब्सट्रेट जो होता है ना सब्सट्रेट जाके ये मान के ये एंजाइम है, ये मेरे पास क्या एंजाइम है, और एंजाइम किससे बना है प्रोटीन से बना, तो एंजाइम प्रोटीन से बना है, तो प्रोटीन का बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, प्रोटीन बायोलॉजिकली एक्टिव होता है 3D जब उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, तो ये प्रोटीन भी बना किससे, ये एंजाइम बना किससे प्रोटीन से, अब ये एंजाइम का भी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, जब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाता है ना, जब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाता है तो इसमें क्या होता है एक्टिव साइट्स होता है, या क्या होता है एक्टिव साइट्स या पॉकेट्स होता है, इसी एक्टिव साइट्स ये देख रहे ये एक्टिव साइट्स ये पॉकेट्स, एक्टिव साइट्स और पॉकेट्स वैरी कर सकता है, हर एंजाइम्स में एक्टिव साइट और पॉकेट्स का शेप अलग अलग हो सकता है, क्यों अलग अलग क्यों कहते हैं मेरे पास सब्सट्रेट के क्यों कहते हैं सब्सट्रेट के शेप के भी यहां पे। अब देखो मेरे पास क्या है, ये सब्सट्रेट है और ये एक्टिव साइट्स है, ये एंजाइम्स का एक्टिव साइट्स है, तो सब्सट्रेट आएगा और अपने वाले एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड कर जाएगा, चलो ये बाइंड कर दिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फर्स्ट द सब्सट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, बता चुके थे। ठीक है, ये तो प्रीवियस वाली क्लास में ही बता चुके थे, लेकिन फिर भी आगे के देखो जब तुम नोट्स तैयार करोगे तो यहां से करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे देखो
सब्सट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इटसेल्फ फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सब्सट्रेट। अब देखो जब सब्सट्रेट मॉलिक्यूल आएगा, जब ये सब्सट्रेट येलो कलर का जो है ये सब्सट्रेट मॉलिक्यूल जब अपने जब ये सब्सट्रेट मॉलिक्यूल किससे आएगा बाइंड होगा, अपने एंजाइम से बाइंड होगा एक्टिव साइट से, तो इस एंजाइम्स का क्या कहते हैं एंजाइम के शेप को क्या करेगा थोड़ा अल्टर करेगा, तो कि यहाँ पे टाइटली फिट कर रहे हैं ये। देखो मान के चलो मेरे पास क्या है, यहाँ देखो ये मेरे पास एंजाइम है, ये मेरे पास क्या है और एंजाइम है, तो एंजाइम्स का ये एंजाइम है, तो ये मान के चलो इसका क्या है एक्टिव साइट्स, ये क्या इसका एक्टिव साइट्स है, और ये मान के चलो सब्सट्रेट है। सब्सट्रेट आया और एंजाइम के साथ क्या करा, अपने सब्सट्रेट के साथ एंजाइम के साथ क्या कर दिया अपना क्या कहते हैं टाइटली पैक हो गया, क्या करा बाइंड हो गया, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा ये टाइटली बाइंड होगा ताकि और फिर उसका धीरे धीरे इस एंजाइम का क्या होगा थोड़ा सा शेप इसको चेंज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे क्या बोलता है एंजाइम टू अल्टर इट्स टू बाइंड द सब्सट्रेट बाइंड इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स फिटिंग टाइटली अराउंड द स्ट्रक्चर, सॉरी। तो क्या करेगा मेरे पास ये एंजाइम्स क्या करेगा, एंजाइम्स आएगा इस सबसे एंजाइम्स आएगा और इस वाले सॉरी एंजाइम बोल रहे हैं सब्सट्रेट आएगा और एंजाइम से जाकर बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद टाइटली बाइंड करेगा और अपना शेप को क्या करेगा चेंज करेगा, क्योंकि अब क्या करेगा इसका बॉन्ड टूटना है, इसका क्या करना है बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने के बाद नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और नया बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहां पे क्या होता है द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द सब्सट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सब्सट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। अब देखो न्यू एंजाइम प्रोडक्ट इज कम्प्लेक्स, अब देखो मेरे पास एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स क्या होता है मेरे पास, ये देखो मेरे पास ये सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है, ये सब्सट्रेट मॉलिक्यूल और ये एंजाइम है, तो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल आया और मेरे पास क्या होता है एंजाइम्स के एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद यहाँ पे केमिकली रिएक्शन चलेगा, और केमिकली रिएक्शन में ऑल बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, अब क्या होगा देखो जैसे इसे सब्स्ट्रेट क्या कर रहा है, यहां देखो मेरे पास क्या हो रहा है सब्स्ट्रेट का मान के चलो सब्स्ट्रेट जैसे इसे सब्स्ट्रेट का जैसे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वैसे साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अब मान के चलो ये रेड ऑयल मेरे पास प्रोडक्ट है, तो एंजाइम के साथ प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है जैसे एंजाइम प्रोडक्ट बन रहा है, अब ये प्रोडक्ट क्या होगा रिलीज आउट होगा, तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है। अब देखो यहां पे क्या होगा द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम ready to bind the another molecule the substrate and the run the catalytic ons against। अब देखो मेरे पास क्या होता है जैसे ही प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट अब एंजाइम क्या करेगा एंजाइम इस प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। अब ये जो प्रोडक्ट है ये जो एंजाइम है इस एंजाइम का नेचर पहले ही जैसा है, अब क्या करेगा ऐसा ही सब्सट्रेट और आएगा फिर इसके एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड होगा, और बाइंड होने के साथ क्या करेगा अपना शेप को चेंज करेगा अल्टर करेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा इसका ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद फिर क्या करेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के साथ क्या करेगा इसको फिर क्या करेगा ये कहते हैं प्रोडक्ट को रिलीज करेगा, और फिर ये कहते हैं फिर से क्या कहते हैं एप्लीकेबल एलिजिबल हो जाएगा किसी अदर सब्सट्रेट को पकड़ने के लिए सेम टाइप का सब्सट्रेट को, और इस तरह का रिएक्शन मेरे पास चलते रहता है। देखो मेरे पास क्या है ये मेरे पास एंजाइम्स है और एंजाइम्स का ये रहा एक्टिव साइट्स, मेरे पास प्रोडक्ट आया और एंजाइम के एक्टिव साइट से जाकर बाइंड किया, और एंजाइम के एक्टिव साइट से जैसे बाइंड करने के बाद क्या करेगा ये टाइटली फिट होगा, और टाइटली फिट होने के बाद ये अपना क्या करेगा शेप को चेंज करेगा, और शेप को चेंज कर यहां पर ओल्ड बॉन्ड अब केमिकल रिएक्शन चलेगा इस दोनों के बीच में, अब ये क्या करेगा इसका ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते ये क्या करेगा ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करेगा, और धीरे धीरे यहां पे इंटरमीडिएट बनेगा, फिर जाके इससे प्रोडक्ट बनेगा। जब इससे प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट बनने के साथ क्या करेगा ये एंजाइम क्या कर देगा इसको रिलीज आउट कर देगा, रिलीज कर देगा, और फिर अब एंजाइम तो फ्री हो गया कोई कहते हैं इसमें, अब क्या करेगा फिर ये मेरे पास कोई दूसरा अदर मेरे पास कौन आएगा अदर सब्सट्रेट आएगा, और फिर ये जाके एंजाइम से फिर जाके क्या हो जाएगा बाइंड करेगा, और फिर से मेरे पास इस तरह का केमिकल रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होते रहता है। इतना पहले पर आगे पता, अब हम लोग जब आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ, देखो मेरे पास चलो आगे की तरफ प्रोसीड करें। चलो अब देखो मेरे पास है ना एंजाइम को बेसिकली अब दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया गया, कितना कर दिया दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया गया। देखो एक होता है मेरे पास सिंपल एंजाइम्स, एक होता है मेरे पास कंजुगेट एंजाइम। कौन होता है मेरे पास, देखो एक एंजाइम होता है मेरे पास सिंपल एंजाइम, एक होता है मेरे पास देखो सॉरी हाँ मेरे पास जो एंजाइम्स है ना एंजाइम्स को कैटेगराइज कर दिया गया एक सिंपल एंजाइम्स एक कंजुगेट एंजाइम। जो सिंपल एंजाइम होता है ना उसमें सिर्फ प्रोटीनियस पार्ट्स होता है। देखो एंजाइम्स विच आर प्योरली देखो सिंपल एंजाइम्स डिफाइन करते हैं एंजाइम्स विच आर प्योरली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली एंजाइम्स। देखो एंजाइम्स विच आर प्योरली मेड अप ऑफ ओनली ऑफ प्रोटीन्स ओनली आर कॉल्ड सिंपल एंजाइम। जैसे तुम जैसे पेप्सिन देख लो, ट्रिप्सिन देख लो, अमाइलेज देख लो, यूरियेज देख लो, ये सब क्या है ये सब मेरे पास ये कहते हैं सिंपल एंजाइम्स है, ठीक है
जो किसी प्रोटीन से बना हुआ है। अब आते हैं कंजुगेट एंजाइम क्या होता है। देखो कंजुगेटेड एंजाइम, कंजुगेटेड एंजाइम क्या होता है, दिस एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एक तो प्रोटीन पार्ट्स कॉल्ड एपोएंजाइम्स एंड नॉन प्रोटीन पार्ट्स कोफैक्टर्स। बेसिकली क्या होता है, जो कंजुगेट एंजाइम होता है, हम जानते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस, बट एक्सेप्शन कुछ होता है, जैसे राइबोन्यूक्लियस पी है मेरे पास, राइबोजाइम्स है मेरे पास, राइबोजाइम मेरे पास न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है, जो कि प्रोटोजोन से मेरे पास एक्सट्रैक्ट किया गया था, ठीक है, थर्मोफिला हाइमेना से। अब देखो मेरे पास क्या होता है यहाँ पे, जो मेरे पास एंजाइम है, तो सिंपल एंजाइम्स एंड द कंजुगेटेड एंजाइम्स, जो कंजुगेटेड एंजाइम्स है ना, इस कंजुगेटेड एंजाइम्स पे प्रोटीनेसियस पार्ट्स भी है और नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट्स भी है। कौन सा पार्ट्स है मेरे पास, देखो कंजुगेटेड एंजाइम्स है मेरे पास, ये रहा मेरे पास कंजुगेटेड एंजाइम्स, तो कंजुगेटेड एंजाइम्स में मेरे पास क्या है, एक मेरे पास प्रोटीनेसियस पार्ट्स है, क्या है मेरे पास प्रोटीन वाला पार्ट्स है, एक नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट्स है, क्या है नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट्स है। आखिर नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट्स आया क्यों, नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट्स इस कंजुगेटेड एंजाइम्स पे आया क्यों, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा, तो इसीलिए तो नहीं कहते आया होगा, कहीं ना कहीं इसका सिग्निफिकेंस होगा, क्यों है, तो इसका अलग अलग टाइप्स है और सिग्निफिकेंस है, इसी के बिहाव पे हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक, इसी के बिहाव पे हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास, अगर देखो ये जो मेरे पास कंजुगेट एंजाइम्स में जो प्रोटीनेसियस पार्ट्स होता है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग एपो एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक, प्रोटीन पार्ट्स आर कॉल्ड एपो एंजाइम्स और नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट को हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं। ये मेरे पास रहा, इसको नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं और प्रोटीनेसियस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी तुमको आगे की तरफ इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो मेरे पास क्या है यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा होगा। अब देखो मेरे पास एंजाइम, कंजुगेटेड एंजाइम्स एंड ये रहा कंजुगेटेड एंजाइम्स। अब देखो इस कंजुगेटेड एंजाइम्स को होलो एंजाइम्स बोले, क्या बोले, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटीनेसियस पार्ट्स भी हैं और नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट्स भी हैं। जब प्रोटीनेसियस पार्ट्स प्लस नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट्स दोनों को मिलाकर हम लोग होलो एंजाइम्स बोलते हैं। अब देखो मेरे पास क्या है यहाँ पे, एपो एंजाइम्स, अभी बताएं कि एपो एंजाइम्स किसको बोलेंगे, जो कि प्रोटीनेसियस पार्ट्स है और नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। फिर कोफैक्टर फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्या, एक को एंजाइम्स, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक मेटल एक्टिवेटर, एक को एंजाइम, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक मेटल एक्टिवेटर, ठीक है, पल्ले भरा कि नहीं भरा। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, सिंपल एंजाइम्स एंड द कंजुगेटेड एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स मीन्स एंजाइम्स विच आर प्योरली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली आर कॉल्ड सिंपल एंजाइम्स, लाइक एग्जाम्पल्स पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, यूरियस, एटीसी एंड द कंजुगेटेड एंजाइम्स होलो एंजाइम्स एंड द कंजुगेटेड होलो एंजाइम। दीज एंजाइम्स आर मेड अप टू पार्ट्स, एपो एंजाइम्स एंड द कोफैक्टर्स, एंड द एपो एंजाइम्स आर द प्रोटीनेसियस पार्ट्स एंड द कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट एंड द कोफैक्टर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू तीन कैटेगरी, तीन पार्ट्स, को एंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड द मेटल एक्टिवेटर। फर्दर हम लोग नहीं कहते वन बाय वन, इसको अपन लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, चलो ठीक है, पढ़े अपन लोग, अब अपन लोग को आगे की तरफ इसको पढ़ते हैं, चलो ठीक है, पढ़ते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे हम लोग बोले होलो एंजाइम्स बोल रहे हैं ना, तो होलो एंजाइम्स एनसीईआरटी जब पूरा होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब लगाओगे तो वहां पे होलो एंजाइम्स आएगा, तो होलो एंजाइम्स, होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम, होलो एंजाइम मतलब बोलो तो कंप्लीट। यहाँ पे कौन सा पार्ट होगा, एक तो मेरे पास एपो एंजाइम हुआ, एपो एंजाइम, हेलो एंजाइम मतलब एपो एंजाइम, प्लस कोफैक्टर, प्लस कोफैक्टर, और एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीनेसियस पार्ट्स, कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट, और कोफैक्टर कितना पार्ट में डिवाइड है, तीन तीन पार्ट इसका, एक तो मेरे पास को एंजाइम है, ठीक, एक को एंजाइम है और एक मेरे पास क्या है, मेरे पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और एक क्या मेटल एक्टिवेटर है, ये है तीन। अब इसको वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, फर्दर पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास अब देखो आते हैं कोएंजाइम्स, यहां से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है कोएंजाइम्स के बारे में। अब देखो इसको तो अब देखो कोएंजाइम्स क्या है, देखो सबसे पहले तो इसका नेचर देखना, देखो यहाँ पे है ना कोएंजाइम्स में, अगर इस तरह जो मेरे पास यहाँ अगर क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, मेरे पास कंजुगेटेड एंजाइम्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है और कंजुगेटेड एंजाइम्स में कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल एक्टिविटी, इसका तो सबसे पहले कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है, और फिर दूसरा इसका नेचर क्या क्या हो सकता है और ये कैसे बाइंड होता है या कैसे बाउंड होता है, कहते हैं प्रोटीनेसियस पार्ट्स के साथ। अब बोलता है कोएंजाइम्स क्या होता है, कोएंजाइम्स मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ये लूजली बाउंड टू एपो एंजाइम्स। देखो मेरे पास क्या होता है,
ये जो मेरे पास यहाँ पर देखो मेरे पास क्या होता है, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन है। अब देखो हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एंजाइम आके वर्क करेगा। अगर मेरे पास एंजाइम्स में प्रोटीनिशियस पार्ट्स भी है, नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट्स भी है, तो उस एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड एंजाइम बोलेंगे। अब क्या होता है मेरे पास जो ऑर्गेनिक को एंजाइम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लूजली बाउंड टू एपो एंजाइम, ये मान के एपो एंजाइम्स, इसमें एपो एंजाइम्स है और ये मेरे पास क्या है, को एंजाइम। तो को एंजाइम्स इस वाले एपो एंजाइम से लूजली बाउंड होता है, क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। अब देखो मोस्ट ऑफ देम आर विटामिन डेरिवेटिव्स। एग्जांपल पूछा जाता है, सबसे पहले पूछेगा जो को एंजाइम्स का कैसा कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अपने एपो एंजाइम के साथ कैसे बाइंड होता है, तो लूजली बाउंड होता है, ठीक है, कैसे होता है, लूजली बाउंड होता है, ठीक है। और दूसरा इसका जो कहीं कहते हैं इसका एग्जांपल कौन होता है, मोस्ट ऑफ द क्यों कहते हैं को एंजाइम्स आर क्यों कहते हैं विटामिन डेरिवेटिव्स। और दूसरा इसका एग्जांपल एनएडी देख लो और मेरे पास एनएडीपी देख लो, जैसे निकोटिनामाइड एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड एंड द एनएडीपी कॉन्टेंट द विटामिन नियासिन, ठीक है, इतना, ठीक। अब आते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स में, किसमें आते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो को एंजाइम का सबसे पहला पॉइंट क्या, को एंजाइम का सबसे पहला पॉइंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, दूसरा ये एपो एंजाइम से लूजली बाउंड होता है, और तीसरा मेरे पास क्या होता है, ये इसका जो एग्जांपल होता है मोस्ट ऑफ द विटामिन डेरिवेटिव्स होता है, तो वो मेरे पास क्या होता है, को एंजाइम्स का होता है, एनएडी और एनएडीपी। एनसीईआरटी में दिया हो तो याद रखना, यहां से ये विटामिन डेरिवेटिव वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। और दूसरा ये लूजली बाउंड वाला भी क्वेश्चन आया है, ठीक। अब आते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। मान लो चलो ये मेरे पास एपो एंजाइम्स है, ये क्या होता है, एपो एंजाइम, ये मेरे पास प्रोटीनेसियस पार्ट्स है और ये मेरे पास नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट है, मान लो चलो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप अपने एपो एंजाइम के साथ क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है, क्या होता है, टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम्स। इन पर ऑक्सीडेज एंड द कैटालेज हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट द पार्ट ऑफ द हीम। बेसिकली क्या होता है, मेरे पास पर ऑक्सीडेज हो गया और कैटालेज क्या होता है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, किसका, हीम वाले पार्ट का। देखो हम लोग कैटेलिस्ट के बारे में और कहां पढ़े थे, कैटेलिस्ट के बारे में हम लोग पर ऑक्सीडेज कहते हैं, पर ऑक्साइड वाले में जाके हम लोग वहां पे पढ़े थे, ठीक है। और एक हम लोग वहां पे जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला देख रहे थे और कैटेलिस्ट वाला देख रहे थे, कैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मेरे पास कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, वहां पे मेरे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज आके एंजाइम जाके वर्क करता है, तो एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट करता है। उसी तरह हम लोग वहां पे कैटेलिस्ट के बारे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अब देखो मेरे पास क्या होता है यहाँ पे, अब आते हैं किसमें, मेटल एक्टिवेटर में। मेटल एक्टिवेटर का एग्जांपल, मेटल एक्टिवेटर ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है और ये लूजली अटैच होता है। देखो टाइटली अटैच कौन होता है, प्रोस्थेटिक होता है, टाइटली अटैच कौन होता है, प्रोस्थेटिक होता है। प्रोस्थेटिक को याद रखो, टाइटली कैसे रखो, पीटी याद होगा, क्या रखो, देखो जब तुम लोग क्या रहते हैं स्कूल वगैरह में जाते हो तो होता है ना, तुम लोग का एक पीटी क्लास होता है जिसमें एक्सरसाइज वगैरह क्या होता है, तो पीटी क्लास में क्या होता है, अब मान के चलो गर्मी का मौसम है और पीटी तुमको करवाया तो तुमको क्या होता है, तुम बोलता है ना, तुम्हें कहता तुम्हारा माइंड पूरा टाइट हो गया, क्या यार नहीं जाना, बोलता है ना यार नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि हालत टाइट है मेरा, तो हालत टाइट मतलब क्या क्या याद रखो, प्रोस्थेटिक से, तो पीटी याद रखो, क्या रखो, पीटी, तो पीटी, पी से प्रोस्थेटिक, टी से मेरे पास क्या होगा, पी से प्रोस्थेटिक, टी से टाइटली, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है और ये क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है, ठीक है। अब देखो मेटल एक्टिवेटर का इनऑर्गेनिक को फैक्टर होता है, अब देखो ये क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। देखो को एंजाइम्स और मेटल एक्टिवेटर ये क्या होता है, लूजली बाउंड होता है, स्पीटी क्या होता है, टाइटली होता है, पी से प्रोस्थेटिक, टी से टाइटली, ठीक, लूजली अटैच, दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द साइड चेन ऑफ द एक्टिव साइड एंड द साइड टाइम ऑफ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट। बेसिकली क्या बोलता है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है मेरे पास, यहाँ पे बोलता है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होता है मेरे पास, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कैसा होता है, इनऑर्गेनिक को जो सॉरी इन जो मेटल एक्टिवेटर है, क्या है मेरे पास, मेटल एक्टिवेटर जो है मेरे पास, ये मेटल एक्टिवेटर क्या होता है, लूजली अटैच होता है, क्या होता है, लूजली अटैच होता है, लूजली अटैच हुआ ये मेटल एक्टिवेटर लूजली अटैच, बोलता है दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द साइड चेन एट द एक्टिव साइड एंड द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन विद द सबस्ट्रेट। बेसिकली क्या होता है, ये जो एप, ये जो मान के चलो कोई एंजाइम्स है मेरे पास, क्या ये मान के चलो मेरे पास, ये देखो मेरे पास एंजाइम्स है, ये मेरे पास क्या, ये मान के चलो ये रहा एंजाइम्स, ये रहा एंजाइम्स, ठीक है, ये रहा मेरे पास एंजाइम, और हम जानते हैं कि यह कौन सा एंजाइम पढ़ रहे हैं, कंजुगेटेड एंजाइम, क्या पढ़ रहे हैं, कंजुगेटेड एंजाइम। अब कंजुगेटेड एंजाइम में हम लोग क्या देखें कि एक होता है प्रोटीनिशियस पार्ट्स होता है, एक होता है मेरे पास नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट्स होता है। अब इस प्रोटीनिशियस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोसिडियस पार्ट्स को हम लोग को एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है,
और सॉरी प्रोटीनियस पार्ट्स को हम लोग एपो एंजाइम्स बोलते हैं, प्रोटीनियस पार्ट को क्या बोलते हैं एपो एंजाइम्स बोलते हैं, और नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं को फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं को फैक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे को फैक्टर में हम लोग कितना टाइप देख रहे हैं, तीन टाइप देख रहे हैं। कौन कौन टाइप देख रहे हैं, एक तो अपन लोग देख रहे हैं मेरे पास को एंजाइम्स देखें, एक को एंजाइम देखें, एक मेरे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप देखें, एक मेरे पास कौन देखें मेटल एक्टिवेटर देखें, क्या देखें एक मेटल एक्टिवेटर देखें, एक देखे अपन लोग मेटल एक्टिवेटर देखे, ठीक है मेटल एक्टिवेटर देखे। कोएंजाइम क्या देखे, ये ऑर्गेनिक था, ये भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक था, ये था लूजली, और पी से क्या है पीटी याद होगा, क्या देखो पीटी ग्लास में अपन लोगों का हालत टाइट हो जाता है, तो पी से ये क्या होता है टाइटली बाउंड होता है, क्या होता है टाइटली बाउंड होता है। इसका एग्जाम्पल कौन था, इसका एग्जाम्पल था विटामिन डेरिवेटिव था और एनएडी था और एनएडीपी था, ठीक है ये था ना। और मेरे पास मेटल एक्टिवेटर है, तो मेटल एक्टिवेटर में क्या होता है, अब देखो मेरे पास मेटल एक्टिवेटर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो नॉन प्रोटीनिसियस पार्ट होता है यानी को एंजाइम जो सॉरी जो इसके पास मेरे पास को फैक्टर जो होता है ना, ये कहो अब देखो इसके पास नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, तो इस सबस्ट्रेट के साथ अब मेरे पास बोलते हैं दे फॉर्म कॉन्टिन्यूम विद द साइड चेन विद द एक्टिव साइट्स। अब देखो मेरे पास जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा ना, ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स क्या करेगा, नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स एंजाइम्स के कुछ कहते हैं एक एंजाइम्स के कहते हैं एक एक्टिव साइट से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, दूसरा यहां पे जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है ना वहीं पे दूसरा अदर मेरे पास सब्सट्रेट मॉलिक्यूल से मेरे पास क्या करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पल्ले पर आके नहीं पड़ा, ये रहा मेरे पास एंजाइम, फिर से देखो ये रहा मेरे पास एंजाइम, ये कुछ ऐसा लाइक दिस रहा, ठीक ये रहा एंजाइम के एक्टिव साइट्स, ये रहा मेरे पास क्या प्रोटीनियस पार्ट्स, ये क्या रहा प्रोटीनियस पार्ट्स, और ये रहा माना नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स। नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स में भी कौन रहा, मेरे पास मेटल एक्टिवेटर रहा, तो इसका काम क्या रहता है, ये जो मेरे पास ये जो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन के एक्टिव साइट्स से इस प्रोटीन के एक्टिव साइट्स के चैन के साथ क्या बनाएगा, एक तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा यहां पे। अब मान लीजिए जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल आया, क्या है मेरे पास ये सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, तो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल आके यहां पे फिट होगा, यहां पे आके फिट होगा, तो ये नॉन प्रोटीनियस साइट एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके साथ बनाता है, इस एंजाइम के साथ, एंजाइम्स के एक्टिव साइट के साथ, दूसरा किसके साथ बनाता है इस जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है ना उसके साथ बनाता है, पल्ले पर आगे नहीं पड़ा। अब देखो जिंक इज द एक्टिवेटर ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम्स, ठीक इसको याद रखना यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है इतना पल्ले पर आगे नहीं पड़ा, अब बताओ पल्ले पर आगे नहीं पड़ा, चलो ठीक है। अब देखो हम लोग आगे की तरफ जब प्रोसीड करते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इनहिबिटर्स एंजाइम्स इनहिबिशन, देखो यहां से क्वेश्चन बहुत आता है और एक मिसलसेंस कॉन्स्टेंट वाला क्वेश्चन आता है, कि वहां से मेरे पास केएमसी वाला वैल्यू से आता है, मिसलसेंस कॉन्स्टेंट से क्वेश्चन आता है। तो अब देखो मेरे पास इनहिबिटर्स एंजाइम्स क्या होता है, इनहिबिटर्स या एंजाइम्स इनहिबिशन क्या बोलते हैं, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज ऑल्सो सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल रेड, देखो मेरे पास क्या होता है इतना सिंपल समझो, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे देखो, ये मेरे पास क्या है एंजाइम है, ये मेरे पास क्या है एंजाइम है, देखो ये चीज ध्यान से देखना यार, चलो ये मेरे पास एंजाइम है, ठीक है अब ये एंजाइम है, और हम क्या बोलते हैं जब हम लोग स्टार्टिंग का लेक्चर बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, एंजाइम्स क्या होता है स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट, हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि ये एंजाइम चुन्नू के लिए स्पेसिफिक है तो मुन्नू आके इस पे आके बाइंड नहीं होगा, अगर बाइंड हो भी जाता है तो ये कुछ कहते हैं ये रिएक्शन अगर फर्दर चलेगा ही नहीं, ठीक चलने ही नहीं देगा। अब देखो मान के चलो, अब मान के चलो क्या होता है, ये मेरे पास ये रहा एक्टिव साइट, ये क्या रहा ये मेरे पास ये रहा एक्टिव साइट्स एंजाइम्स का एक्टिव साइट, इस एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड कौन होगा, इस एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड होगा मेरे पास कौन होगा, मेरे पास बाइंड होगा सब्सट्रेट होगा। अब क्या होगा ये सब्सट्रेट ये सब्सट्रेट, अब देखो ये सब्सट्रेट पे भी आके बाइंड हो रहा, ये एंजाइम अपने इस सब्सट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, बट जो ये वाला जो सब्सट्रेट है ना इस सब्सट्रेट का भी सेप एक ही कहते हैं इस वाले सब्सट्रेट के ऐसा है, और ये भी जाके मान के चलो कहते हैं ये आया और यहां पे आके क्या हो जाएगा बाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाइंड हो जाएगा, लेकिन हम क्या बोले थे इच एंजाइम इज इस हर इच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ऑन सब्सट्रेट, क्यों कहते हैं इट सब्सट्रेट अपने क्यों कहते हैं सब्सट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, लेकिन हम क्या बोले ये सब्सट्रेट और ये सब्सट्रेट ये जो सब्सट्रेट है इस सब्सट्रेट के ऐसा क्यों कहते हैं रिजेंबल करता है इसके ऐसा लगता है, और लेकिन ये एक बहुरूपिया है, क्या है ये बहुरूपिया है और यह वेज बदल के लेकिन आया और इस एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड होगा, लेकिन यह क्या करेगा एंजाइम के साथ जैसे ही बाइंड कर लेकिन फर्दर रिएक्शन नहीं चलने देगा, तो इस तरह के अब दोनों क्या और इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है कंपटीशन हो रहा है, क्या हो रहा है कंपटीशन हो रहा है,
तो यहाँ पे मेरे पास और कंपटीशन जैसे हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, रिएक्शंस को एंजाइम्स के नेचर को इनहिबिट कर रहा है। क्या कर रहा है, जो एंजाइम्स अब जो केमिकल रिएक्शन चलने के बाद जो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इसको इनहिबिट करके भाई इसके एक्टिव साइट्स में ये वाला आके सब्सट्रेट आके जुड़ गया, तो अब ये एक्टिव साइट के साथ जुड़ेगा नहीं तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, इसके फंक्शन को, इसके प्रोडक्ट बनने के फंक्शन को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। इसलिए इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इनहिबिशन बोलते हैं। और ये देखो इस दोनों के बीच में क्या चलेगा, कंपटीशन चलेगा, ना ना हम जुटेंगे ना ना हम जुटेंगे, तो ये क्या हो गया, कंपिटेटिव इनहिबिशन हो गया। पल्ले परा कि नहीं परा। अब देखो यहाँ पर अब क्या बोलता है, अब देखो यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम्स। हम क्या बोले हैं, जो मेरे पास एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट्स होता है ना, ये स्पेसिफिक होता है किसके लिए, अपने सब्सट्रेट के लिए। लेकिन क्या होता है, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं जो कि क्या होता है, जाके इसके साथ बाइंड कर जाता है, तो एंजाइम्स के कोई कहता है आगे वाला जो फर्दर केमिकल रिएक्शन होने वाला था उसको इनहिबिट कर देता है। अब क्या बोलते हैं, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल सेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द प्रोसेस आर कॉल्ड द इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। अब देखो जो जो केमिकल या जो सब्सटेंस जाके बाइंड हो जाएगा किसके साथ, जो केमिकल जो सब्सटेंस मेरे पास बाइंड हो जाता है मेरे पास किसके पास, केमिकल्स के एक्टिव साइट्स के साथ, और एंजाइम्स के कुछ कहते हैं एंजाइम्स के एक्टिविटी को शट ऑफ कर देता है, मतलब काम करने के लिए मतलब प्रोसीड करने के लिए बंद कर देता है, तो उस तरह के केमिकल्स को क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इनहिबिटर बोलते हैं, ठीक है, उसको इनहिबिटर बोलते हैं। इट इज टू टाइप्स, कंपेटेटिव इनहिबिटर और नॉन कंपेटेटिव इनहिबिटर। देखो कंपेटेटिव इनहिबिटर और नॉन कंपेटेटिव इनहिबिटर। अब देखो कंपेटेटिव इनहिबिटर, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट। अब मान के चलो मेरे पास क्या है, क्या बोला है, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट्स एनालॉग्स ऑन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इट इज कंपेटिटिव एज वेल एज रिवर्सिबल। देखो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नहीं कहते हैं, मेरे पास एंजाइम्स है, ठीक, ये रहा एंजाइम्स रहा, और ये रहा मेरे पास सबस्ट्रेट जो कि अपने एंजाइम्स के लिए क्या है, ये स्पेसिफिक है। यहाँ पे सबस्ट्रेट आएगा और एंजाइम के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उसके बनाने के बाद यहाँ पे ऑयल बॉन्ड का ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद फिर प्रोडक्ट बनाएगा, और प्रोडक्ट बनाने के ये रिलीज आउट हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया, इसी सबस्ट्रेट के ऐसा इसके यहाँ पे एक केमिकल प्रेजेंट था जो कि इस सबस्ट्रेट के शेप के ऐसा रिजेंबल करता था। अब क्या करेगा, ये तो ये क्या करेगा, ये आएगा और इस एंजाइम्स के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मेरे पास इसके एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड हो जाएगा। अब जब बाइंड हो जाएगा तो इस एंजाइम का जो केमिकल एक्टिविटी है, अब क्या होगा, ये एंजाइम वर्क ही नहीं करेगा, और जब वर्क नहीं करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर किसी तरह इस वाले को जो कहते हैं इस वाले, अगर किसी तरह इस वाले मेरे पास केमिकल रिएक्शन, इस वाले केमिकल सब्सटेंस को अगर हटा दिया जाए और फिर यहाँ पे मेरे पास ये वाला सब्सट्रेट आ जाए, तो फिर से क्या हो जाएगा, मेरे पास फिर से ये काम करना चलेगा। तो ये मेरे पास कंपेटिटिव इनहिबिशन कैसा है, मेरे पास रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या होता होगा उसके बारे में, देखो देखो मेरे पास क्या होता है, ये मान के चलो मेरे पास एंजाइम है, क्या है एंजाइम है, और एंजाइम का एक्टिव साइट से, और इसी एक्टिव साइट के साथ आगे कौन जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुटा। देखो एंजाइम के साथ आके जुटा मेरे पास सबस्ट्रेट, ठीक, एंजाइम के साथ जुड़ा सबस्ट्रेट। अब देखो एंजाइम के शेप के सबस्ट्रेट, इसी के शेप के ऐसा और एक स्ट्रक्चर था, ये मेरे पास सबस्ट्रेट एनालॉग, ये एक केमिकल कहते हैं, ये एक इनहिबिटर था, क्या था, इनहिबिटर था, जो कि इसी के सबस्ट्रेट के शेप के ऐसा था, ये आया और जाके यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे जाके बाइंड हो गया, और किसको बाइंड करने के लिए नहीं दिया, ये सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए नहीं दिया। जब ये सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए नहीं देगा, ये बाइंड अगर हो भी जाता है तो इस एंजाइम्स का एक्टिविटी क्या हो जाएगा, शट ऑफ हो जाएगा, और फिर मेरे पास आगे फर्दर कुछ कहते हैं रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जब ये मेरे पास जाके, ये जब जाके इसके साथ बाइंड नहीं होगा, ये सब्सट्रेट जब जैसे ही बाइंड नहीं होगा तो ये इसका होगा, ये मेरे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन ये आके केमिकल आके बाइंड हो भी जा रहा है तो ये एंजाइम अपना कहीं कहता है केमिकल एक्टिविटी को सेटअप कर देगा और आगे जाके हो ही नहीं पाएगा रिएक्शन।
देखो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल देखने से पहले यहाँ पे देखो एक चीज तुमको यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे एक तरफ और फिगर है, इसको भी देखो मेरे पास। देखो मेरे पास क्या हो गया, ये मान के चलो एंजाइम्स है, ये क्या है मेरे पास, ये एंजाइम है, एंजाइम्स के ये एक्टिव साइट्स है और ये सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम्स बाइंड करेगा सबस्ट्रेट से, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और बाइंड करने के बाद क्या होगा, ये सबस्ट्रेट का ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखो ये रिलीज आउट कर दिया, यहाँ पे एंजाइम्स रिलीजेस प्रोडक्ट, एंजाइम क्या कर देगा प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। अब देखो इनहिबिशन के केस में क्या होता है मेरे पास, ये रहा मेरे पास एंजाइम रहा, ये रहा एंजाइम के एक्टिव साइट्स हुआ, तो जैसा सबस्ट्रेट ना उसी सबस्ट्रेट के जैसा ही इनहिबिटर का स्ट्रक्चर था, ये केमिकल सब्सटेंसेस था जो आया और इसके एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएगा, और एक्टिव साइट के साथ जैसे ही बाइंड होगा तो एंजाइम बाइंड इनहिबिटर बनाएगा, लेकिन इनहिबिटर्स कंपीट्स विद सबस्ट्रेट, तो इनहिबिटर क्या करता है कंपीट्स विद सबस्ट्रेट से कंपीट करते हुए आके आके जुड़ा, लेकिन यहां पे आगे फर्दर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास कंपीटर, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है ना समझ लीजिए इतना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है इसका एग्जाम्पल, यहां से जो एग्जाम्पल आता है यहाँ पे देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल आता है देखो, एक तो सल्फर ड्रग्स का एग्जाम्पल आता है, क्या आता है सल्फर ड्रग्स का एग्जाम्पल आता है, और एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस का एग्जाम्पल आता है। अब देखो मेरे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है सल्फर ड्रग्स में क्या होता है, सल्फर ड्रग्स इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड, सल्फर ड्रग्स इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड एंड बैक्टीरिया बाय कंपीटिंग विद पी अमाइनो बेंजोइक एसिड। अब देखो मेरे पास क्या होता है, देखो सल्फर ड्रग्स है यहाँ पे, क्या मेरे पास ये देखो पाबा है, क्यों ना पाबा पी अमाइनो बेंजोइक एसिड, तो पामाइनो ये सबस्ट्रेट है, ये क्या मैंने यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, ये क्या है पाबा, देखो देखो पी अमाइनो बेंजोइक एसिड ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या किस पे कन्वर्ट हो रहा है फॉलिक एसिड में, किस पे कन्वर्ट हो रहा है फॉलिक एसिड में, ये जब पाबा यानी क्यों कहते हैं ये सब्सट्रेट जब ये फॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो बेसिकली ये रिएक्शन तुमको इसमें देखोगे बैक्टीरिया में देख लोगे, किसमें देख लोगे मेरे पास बैक्टीरिया वगैरह में, तो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के लिए इस तरह का मेरे पास रिएक्शन होना मैं होता है, तो कहीं कहते हैं उसके लिए कहीं कहते हैं सही होता है। देखो बैक्टीरिया को जब बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करता है ना, तो वहां पे क्या होता है पी अमाइनो बेंजोइक एसिड यानी पाबा, तो मेरे पास क्या होता है ये किसमें कन्वर्ट होता है मेरे पास फॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें हो जाता है फॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ। लेकिन इसी पाबा के ये क्या फॉलिक एसिड क्या है, फॉलिक एसिड प्रोडक्ट्स है, अब क्या होता है यहाँ पे एक सल्फर ड्रग्स नाम का एंजाइम्स आता है, ये सल्फर ड्रग्स क्या कहता है कंपिटेटिव इनहिबिशन यानी एक केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि इस वाले सबस्ट्रेट के ऐसा क्या कहता है रिजेंबल करता है, अब ये आता है और इस वाले एंजाइम्स के एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएगा, और एंजाइम के साथ जैसे ही बाइंड करेगा तो भैया अब तुम बताओ एंजाइम के साथ बाइंड करते ही साथ क्या ये फॉलिक एसिड क्या प्रोडक्ट क्या ये मान के चलो कोई एंजाइम था मेरे पास कोई एंजाइम ये मेरे पास क्या है एंजाइम का एक्टिव साइट है। अब क्या होगा लेकिन हमको बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को रोकना है, तो अब क्या होता है यहीं पे कुछ कहते हैं इसी सबस्ट्रेट के जैसा मेरे पास था कौन था एक केमिकल सब्सटेंसेस था जो कि इसी के इसके एक्टिव साइट्स के जैसा रिजेंबल करता था यानी या उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के जैसा रिजेंबल करता था, तो इसका नाम था क्या इसका नाम था सल्फर ड्रग्स आता है। अब ये कहते हैं इस दोनों में क्या होता है मार्केट होता है क्या होता है इस दोनों में कंपटीशन होता है, हम अपने एक्टिव एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स में फिटिंग होता है ना, तुम कैसे हो जाओगे हम जब है तो हम होंगे, तो ये जाता और इसके साथ जाकर बाइंड कर जाता है, क्या करता है बाइंड कर जाता है। अब देखो जैसे ही बाइंड करेगा तो ये क्या कंपीटर ये मेरे पास इनहिबिटर है और इसके साथ बाइंड करेगा, और जैसे ही बाइंड करेगा तो ये इस एंजाइम्स का जो केमिकल एक्टिविटी है तो ये क्या करेगा एंजाइम्स का जो केमिकल एक्टिविटी ये सेट ऑफ हो जाएगा और फर्दर केमिकल रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड नहीं होगा, जब ये प्रोसीड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा फॉलिक एसिड क्या हो जाएगा रुक जाएगा, फॉलिक एसिड बनेगा ही नहीं, और जब फॉलिक एसिड बनेगा ही नहीं तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन पावा की जगह कौन सा यूज होता है सल्फर ड्रग्स होता है, इतना पल्ले पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। देखो सल्फर ड्रग्स
सल्फा ड्रग्स, यहाँ देखो सल्फा ड्रग्स इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड, सल्फा ड्रग्स इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड इन बैक्टीरिया बाय कंपेटिंग विद पी अमाइनो बेंजोइक, किसके साथ कंपीट करता है, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ करता है। पल्ले पर आगे नहीं पड़ा। अब दूसरा एग्जांपल आता है मेरे पास सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। देखो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज क्या होता है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय द मेलोनिक एसिड कंपीटिंग विद द सक्सेनिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड। अब देखो मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास ये होता है, देखो ये सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज से मेरे पास ये सक्सेनिक एसिड है ना, अब ये सक्सेनिक एसिड मेरे पास जो फॉलिक एसिड पे कन्वर्ट होता है, किसमें होता है, फॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। देखो से ये रहा मेरे पास सक्सेनिक एसिड, तो सक्सेनिक एसिड जब फॉलिक एसिड में फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, किसमें, सक्सेनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम आता है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। कौन सा एंजाइम होता है, जब तुम लोग क्रैब साइकिल्स पर हो गए ना, तो वहां पर क्यों नहीं कहते केमिकल, जब क्रैब साइकिल्स का स्टेप वाइज प्रोसेस देखोगे तब तुम लोग वहां पर सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज के बारे में करोगे। अब देखो मेरे पास ये सक्सेनिक एसिड है, तो सक्सेनिक एसिड ये सब्सट्रेट है, अब इसको क्यों कहते हैं, अब ये क्या मेरे पास, ये मान के चलो मेरे पास सक्सेनिक एसिड है, ये क्या मेरे पास सक्सेनिक एसिड है, ठीक है, सक्सेनिक एसिड है। अब इस सक्सेनिक एसिड के साथ ये सक्सेनिक एसिड क्या है, सब्सट्रेट है, इस सक्सेनिक ये मान के चलो ये ऐसा मान के चलो ये सक्सेनिक एसिड, ये सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज है एंजाइम से, इस सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज के साथ अगर कौन जुड़ा, सक्सेनिक एसिड जुड़ा, कौन जुड़ा, सक्सेनिक, ये सब्सट्रेट है, तो अब ये क्या हो गया, इस दोनों के बीच में बॉन्ड बना, तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, अब क्या हो जाएगा, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, कौन, फ्यूमेरिक एसिड। लेकिन क्या होता है, इस सक्सेनिक एसिड की जगह कौन आ जाता है, मेलोनिक एसिड आता है, इस सक्सेनिक एसिड के जगह कौन आता है, मेलोनिक एसिड, और मेलोनिक एसिड आने के साथ क्या करता है, इस वाले को कहते हैं केमिकल रिएक्शन का जो कहते हैं जो भी होता है उसको क्या कर देगा, फर्दर क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, उसके केमिकल रिएक्शंस के एक्टिविटी को शट ऑफ कर देगा, और मेरे पास फर्दर ये फ्यूमेरिक एसिड्स नहीं बन पाएगा। तो ये दो एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरह प्रोसीड करते हैं। दूसरा अब आते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, किसमें आता है मेरे पास, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में। देखो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन देखो ना, ये फर्दर फिर ये मेरे पास दो तरह से है, इट इज अगेन टू टाइप्स, एक नॉन कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल, एक नॉन कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल, एक नॉन कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल, एक नॉन कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल। अब देखो क्या होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव में आते हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव में आने से पहले तुमको एक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं, देखो या फिगर देखो, नॉन कॉम्पिटेटिव देखो मेरे पास क्या था, नॉन कॉम्पिटेटिव साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनहिबिशन बाय सनाइड। जब तुम लोग क्या पढ़ोगे, जब तुम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ोगे, तुम लोग क्या पढ़ोगे, जब रिस्पायरेशन चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर शायद 14 है, चैप्टर नंबर 14, हाँ 14 शायद चैप्टर नंबर है 11th क्लास का बायोलॉजी का, जब तुम लोग वहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ोगे, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में तुम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में जाओगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद जब तुम लोग कहते हैं इनर मेंबर में जब लोग तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखोगे, तो ETS में तुम लोग चार कॉम्प्लेक्स देखोगे मेरे पास, और एक कॉम्प्लेक्स और था, पांच कॉम्प्लेक्स देखोगे वहां पे मेरे पास, क्योंकि एक मेरे पास साइटोक्रोम वाला भी पोर्शन होता है, साइटोक्रोम में ही जाके मेरे पास क्या होता है, जब अंदर में आओगे ATS के वहां अंदर जब मैट्रिक्स वाले रीजन पे आते हो, तो वहां पे मेरे पास अंदर में आते हो, तो वहां पे क्या होता है मेरे पास एक साइनाइड होता है, क्या होता है, अगर साइनाइड आके कुछ कहते हैं साइटोक्रोम के साथ अगर ऑक्सीडेशन में इनहिबिट कर देगा, तो मेरा सारा का सारा रिएक्शन मेरे पास चलता ही नहीं, एरोबिक रिस्पिरेशन को ब्लॉक कर देता है, इसलिए तो साइनाइड हम लोग साइनाइड बॉडी के अंदर, अगर साइनाइड अगर हम लोग के सेल्स के अंदर साइनाइड्स आ जाता तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही रुक जाएगा और फर्दर हम लोग डेट कर देंगे, तो साइनाइड एक तरह से टॉक्सिस या पॉइजन कैसा वर्क करता है, क्योंकि ये क्या करता है साइनाइड सारा का सारा मेरे पास सारा का सारा मेरे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिस्पायरेशन प्रोसेस को भी रोक देता है मेरे पास। अब देखो मेरे पास यहां देखो ये रहा मेरे पास एंजाइम्स रहा, ये एंजाइम देखो ये एंजाइम्स रहा, अब देखो रिएक्शन कैसा होता है, एंजाइम के साथ सब्सट्रेट आके जुड़ा तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बोला, और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या होगा मेरे पास क्या होता है, इस ये जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, ये सब्सट्रेट मॉलिक्यूल का ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यानी प्रोडक्ट रिलीज आउट हो गया, इस तरह हो गया। अब देखो इनहिबिशन कैसे होता है, देखो देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है, सब्सट्रेट मॉलिक्यूल के ऐसा सेम और एक स्ट्रक्चर था जिसको कुछ कहते हैं, ये इसी के ऐसा रिजेम्बल करता था, इसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग इनहिबिटर बोले, तो ये मेरे पास इनहिबिटर था। अब देखो क्या होता, अब यहाँ पे इस सब्सट्रेट मॉलिक्यूल के साथ ये जो एंजाइम है ना, इस एंजाइम में देख रो एक से ज्यादा एक्टिव साइट है, इस एंजाइम में देख रो एक से ज्यादा एक्टिव साइट है। अब देखो ये देखो सब्सट्रेट भी यहाँ पे एक्टिव साइट से जाकर बाइंड हो रहा है, और ये जो मेरे पास क्या है,
ये जो अदर इनहिबिटर है ये भी जाके बाइंड हो रहा है। अब क्या करेगा, जब बाइंड हो जाएगा, देखो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का मतलब क्या है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल बाइंड टू ए पार्ट एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट्स है ना इस एक्टिव साइट से बाइंड होगा, अदर देन एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो रहा है। अब देखो जब अदर देन एक्टिव साइट के साथ बाइंड होगा तो ये रिएक्शन चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ चलेगा, क्योंकि मेरे पास एक्टिव साइट के साथ मेरे पास सब्सट्रेट आके फर्दर आके ज्वाइन हो गया मेरे पास। अब क्या हो गया मेरे पास, लेकिन देखो तुमको ऐसा लगता होगा कि चलो हाँ मेरे पास ये एक्टिव साइट है तो यहाँ पे मेरे पास ये देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे किसी अदर एक्टिव ये एक्टिव साइट को छोड़ के कहीं पे भी जाके ये इनहिबिटर जाके बाइंड कर रहा है, तो मेरे पास ये जो सब्सटेंस है सब्सट्रेट है ये आके बाइंड कर देगा एक्टिव साइट के साथ, तो मेरे पास रिएक्शन प्रोसीड करेगा। लेकिन ऐसा क्या होता है जो रिएक्शन नहीं करता है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही एक्टिवेटर जैसे ही नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जैसे कोई इनहिबिटर जाके किसी अदर मतलब साइट्स पे जाके जुड़ता है तो इस एंजाइम का शेप को चेंज कर देता है, क्या कहता है, इस एंजाइम का शेप को डिस्टॉर्टेड कर देता है या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या इसको अल्टर कर देता है। और जैसे ये देखो एक्टिव साइट का पहले शेप ऐसा था और इसके सबस्ट्रेट का क्या कहते हैं साइट्स भी ये एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री था, देख रहा था जैसा इसका शेप था एक्टिव साइट का उसी तरह मेरे पास इस सबस्ट्रेट का शेप था। लेकिन जैसे ही ये जो मेरे पास ये जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल अदर साइट्स में जाकर जुड़ा तो वैसे इस एंजाइम्स का शेप को अल्टर कर दिया, देखो अल्टर कर दिया, तो क्या अब जाके ये फिट हो पाएगा, ये फिट नहीं हो पाएगा। एक्टिव साइट बोलते एक्टिव साइट इज डिस्टर्ब देन इनहिबिटर प्रिवेंट्स द बाइंडिंग टू इस सबस्ट्रेट बाय चेंजिंग द शेप ऑफ एक्टिव साइट्स। पल्ले पर आगे नहीं पड़ा, अब देखो यहीं पे वो कहना चाह रहा है। अब देखो यहाँ पे अब देखो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स के बारे में, देखो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स का वो एग्जांपल ही देखो दिखा रहे थे तुमको फिगर्स में डायग्रामेटिक करके। देखो इट इज अगेन टू टाइप्स, नॉन कम्पिटेटिव इरिवर्सल एरर, नॉन कम्पिटेटिव रिवर्सिबल। देखो क्या होता है, व्हेन इनहिबिटर बाइंड्स विद द साइट अदर देन इट्स एक्टिव साइट नॉन कम्पिटेटिव एंड डिस्ट्रॉय द सल्फर ड्रग एसएच ग्रुप्स ऑफ द एंजाइम्स। तो बेसिकली हेयर बाइंडिंग इज इरिवर्सिबल बिकॉज इनहिबिटर कैन नॉट बी डिटैच्ड। अब देखो मेरे पास क्या होगा, ये रहा मेरे पास सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स रहा, देखो ध्यान से देखो, ये रहा मेरे पास सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स रहा और ये मेरे पास रहा नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर रहा, ठीक है। ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इज ये द एक्टिव साइट रहा, ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट्स में किसी अदर साइट्स में जाके जुट जाएगा, और जैसे ही अगर किसी अदर साइट्स में अगर जुटता है तो ये अदर साइट में जुटने के साथ क्या करेगा, जो एंजाइम्स का सल्फर ड्रग्स जो बॉन्ड्स होता है, क्या होता है, सल्फर ड्रग्स ग्रुप्स जो होता है उसको क्या करता है, डिस्टॉर्टेड कर देता है। यानी अब देखो पहले तो सेप ऐसा था, पहले सबस्ट्रेट के सेप के कंप्लीमेंट्री एंजाइम्स का एक्टिव साइट्स का कुछ कहते हैं, यहां देखो सेप था तो अच्छे तरीके से फिट हो जाता है, लेकिन जैसे ही इनहिबिटर आया और एंजाइम्स के किसी साइट से जाके बाइंड गया तो बाइंड करने पे ये एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट्स था उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, यानी डिस्टर्ब कर दिया और ये परमानेंट चेंज हो गया, क्या हो गया, परमानेंट चेंज हो गया।